हेलो जी, कैसे हो जी? और मैं आज क्या सब्जी बना रही हूँ? आज मैं आई हूँ किचन में। आज मैं किचन में आई हूँ और आज मैं सब्जी बना रही हूँ करेले की। तो ये मैंने प्याज काट ली है, देखो ये प्याज काट ली है। और आप लोग एक चीज और बताना कि ये है आमी। तो ये आमी है, आमी किन किन को पसंद है? तो ये है आमी। और आमी देखो, आमी की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आज मैं इसकी चटनी भी बनाऊंगी और ये करेले में भी डलेगी। तो मैं थोड़ी सी ही इसकी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था ना कि मेरा चटनी खाने का मन कर रहा है, आमी की चटनी खाने का। तो ये आमी लिव गई और मीठी खट्टी है। तो आमी खट्टी है। तो मेरा मन कर रहा था मतलब आमी की चटनी बनाने का और छाई के साथ खाने का। तो आज मैं ऐसे ही करूँगी, थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी और छाए और रोटी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि किस किस को आमी की चटनी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो मतलब पहले हम छोटे छोटे हैं ना, तो जब हम तोड़ के लाते थे, छोटी छोटी आमी होती थी, जब छोटी छोटी लगती थी ना आम पे, तो हम तोड़ के लाते थे, तो उसकी बहुत चटनी बनाते थे। पहले हम बहुत छोटे छोटे थे जब बनाते थे, तो हम चटनी से ही रोटी खाते थे। तो अब तो आमी की चटनी मैं बहुत दिन में बनाऊंगी, बहुत दिन में। मुझे भी ना याद कि मैंने लास्ट बार कब बनाई होगी। तो वहां पर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और तेल गर्म हो रहा है। और करेले मैंने धो दिए, सुखा दिए। यहाँ पर कढ़ाई में तेल भी हो रहा है, प्याज काट के रख दी। काम मेरा आज सारा हो गया, बस एक सब्जी बनानी रह गई है। तो मैं करेले ले लेती हूँ। इतनी पड़ रही है धूप, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। देखो मैं भी ना चमक रहा मेरे धूप के मारे, इतनी धूप हो रही है। और यहाँ पे सीरप के मारे ये टांग रखा है कि सीरप तो उठे। और गर्मी लगा है बहुत तेज किचन में, क्योंकि धूप लगती है ना, धूप तेज आती है तो किचन में बहुत ज्यादा गर्मी सी लगा है। तो इसलिए ये मैंने ऐसे टांग दिया है, तो इससे वो रहती है। देखो मैंने करेला धो लिए हैं, देखो इतने सारे करेले हैं। तो करेला मैंने धो लिए हैं, आम ही कट करूंगी और मैं छौंक देती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि करेला मतलब करेले की रेसिपी, मतलब करेला कैसे बनाते हैं आप लोग, किस तरीका से करेले बनाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ, छील के और काट के, नमक मिला के, उन्हें थोड़ी देर धूप में सुखा के और धो के अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और फिर उसमें प्याज डाल के ऐसे ही छोंक देती हूँ, जैसे सब्जी छोंक देते हैं। मैं तो ऐसे ही छोंक देती हूँ धीमी गैस पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं, ताकि अगली बार मैं भी ऐसे ही बनाऊं। क्योंकि मुझ पर ज्यादा अच्छी सब्जी बनानी तो आती ना है। पता ना जिनकी उम्र, मुझे 5 साल हो गए खाना बनात बनात, पर मेरे पास सब्जी बनानी नहीं आती अच्छी सी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना करेले की रेसिपी, कि आप लोग कैसे करेले बनाते हो। और मैं जब बन जाएंगे, जब दिखाऊंगी आप लोगों को करेले के कैसे बने हैं। तो उसके लिए बाय बाय। आप लोग खा लो आमी। देखो मैं लेके आई थोड़ी सी आमी, और इतने खट्टा खाने को मेरा मन कर रहा है। इतनी खट्टी है ये आमी, इतनी खट्टी है, सच में बहुत ज्यादा खट्टी है। पर नमक लगा के ना थोड़ा मजा सा भी आ रहा खाने में। कच्ची आमी खाने को किस किस को पसंद है? ये मीठी है, ये भी खट्टी है, ज्यादा खट्टी आमी है अभी, क्योंकि खट्टी से आएंगे ना। ये अचार वाली आमी है जिनसे अचार गिरता है, पहले अचार गिरता है ना, तो बहुत अन्य तो ऐसे ही खा जाते, सूखती सूखती सुखाने को रखते थे, ऐसे नहीं खा जाते। अब तो दांत उतर जाए, बहुत ज्यादा खट्टी आमी है।